हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है डबल डोर के फ्रिज में ऊपर एक बटन दिया होता है, नीचे की साइड भी एक बटन दिया होता है। देखिए, एक नीचे की साइड बटन है और एक बटन ऊपर के साइड है। तो डबल डोर का फ्रिज में प्रॉपर कूलिंग लाने के लिए ऊपर और नीचे की बटन को कैसे सेट करें जो कि लगभग फ्रिज के लिए बढ़िया हो और प्रॉपर कूलिंग आए, इस वीडियो में हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। देखिए, ऊपर वाला जो बटन है उसको मैं यहाँ से सामान निकालता हूँ और कैमरा जूम करता हूँ, यहाँ पर ऊपर वाले बटन दिखेंगे। ये जो बटन है ऊपर वाला, ये इसकी सेटिंग लगभग नॉर्मल के आसपास रखनी चाहिए। इससे ये होगी कि कम हवा भी नहीं जाएगी और ज़्यादा हवा भी नीचे नहीं जाएगी, तो ये नॉर्मल के हिसाब से रख देते हैं। और नीचे वाले बटन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से सामान निकाल देते हैं फिलहाल, फिर बटन को सेट करते हैं। ये देखिए, ये कैमरा जूम कर लेते हैं, इतना ही होगा। ये वाला जो बटन है उसको लगभग 4 के सेटिंग में रखते हैं। तो ये होगा कि एक तो बहुत कम नहीं हुआ इसमें और बहुत ज्यादा नहीं हुई। ये जो मैं सेटिंग बता रहा हूं वो बिल्कुल नॉर्मल सेटिंग है, ऊपर को नॉर्मल में रखनी है और नीचे वाले को 4 वाले नंबर पर सेट करके रखनी है। इससे ये होगा कि फ्रिज के अंदर नीचे के साइड बहुत ज्यादा कूलिंग भी नहीं होगी और बहुत कम भी कूलिंग नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल कूलिंग होगी 4 के सेटिंग पर। उसी तरीके से ऊपर के साइड हम देखते हैं, ये ऊपर के साइड, तो यहां से हवा कम नहीं जाएगी और बिल्कुल ज्यादा भी नहीं जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल जाएगी। इस तरीके से डबल डोर फ्रिज की जो बटन है उसकी सेटिंग कर लेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर कूलिंग और एक नॉर्मल सेटिंग बन जाती है। देखिए, तो वीडियो से जानकारी मिली बटन सेटिंग के बारे में, तो वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा, फिर से लाएंगे हम नई वीडियो नई जानकारी लेकर।